चले बेटा, तो हम लोग पिछली क्लास में कहाँ पे थे, क्या क्या पढ़े थे, याद है आपको? मेरे ख्याल से हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सीखा था, मेरे ख्याल से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट सीखा था ना पिछली क्लास में, नहीं? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, हाँ, इंड्यूस करंट और करंट इंड्यूस मैग्नेट, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमने सिखाया था आपको। और मैंने एक क्वेश्चन भी आपको शायद होमवर्क में दिया था, आपने कर लिया। मैंने क्वेश्चन दिया था कि अगर किसी करंट यानी क्वेश्चन कंडक्टर में, अगर कि मैंने इफ द ट्राई करंट किया इज इफ द आई करंट इज कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट एंड इफ देर इज अ क्वाइल विच इज मूव्ड फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन, द को फर्स्ट थिंग वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड द करंट विल बी इंड्यूस्ड इन दिस क्वाइल, वी नीड टू नो द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन दिस क्वाइल, राइट? यस सर ओके, ये था क्वेश्चन। ओके, ये था यस और सर आपका आंसर क्या आया? सर लाइक मुझे जैसा लगा सर आपने ये मुझे हिंट दिया सर कि असली प्रोपोर्शनल होता है सर डिस्टेंस, तो जो कॉइल सर यहाँ पे जो करंट देखो, इसमें इसमें एक बात जो समझो होगा कि करंट कैरिंग उससे कंडक्टर, ज्यादा करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा इस राइट हैंड साइड में वो इनवर्ड इनवर्ट्स होगा, में कोई इनवर्ट दिक्कत नहीं है। यस सर यस हाँ, सर एक बात तो क्लियर है। और ये मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि करंट कांस्टेंट है, ठीक है? लेकिन एक बात जरूर होगा कि जब इस करंट कैरिंग क्वाइल को, जब इस करंट कैरिंग क्वाइल को आप अवे फ्रॉम द क्वाइल मूव करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग कंडक्टर के करीब होगी वो ज्यादा डेंस होगी। और जैसे जैसे आप करंट कैरिंग कंडक्टर से यस दूर चले जाओगे, फील्ड वीकर होती चली जाएगी, होगी नहीं होगी? यहां पे होगी सर इस रीजन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस रीजन में वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, होगा नहीं होगा? यहाँ बोलो, होगा पे वीक होगा नहीं होगा? सर करंट कांस्टेंट होने के बावजूद, ये सर हाँ, इफ यू मूव द क्वाइल फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल चेंज एंड यस सर वी सी हियर दैट मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज फ्रॉम ए टू बी, यस एंड सर इफ बी विल डिक्रीज देन फ्लक्स विल डिक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स विल डिक्रीज। यस सर हाँ, तो इंड्यूस करंट आएगा। तो अब उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? हमने बता रखा कि इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज, ऑलवेज कॉस अपोजेस द अपोजिट कॉज, द कॉस एग्जैक्टली, ऑलवेज अपोजेस द कॉज। तो आपका जो इंड्यूस करंट आएगा वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहेगा, यस सर हाँ है नहीं? तो जी इट विल इंक्रीज द डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यस सर अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा? डिक्रीजिंग को इंक्रीज करते, इंक्रीजिंग को डिक्रीज करते, इट विल यस सर इंक्रीज द डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक है बेटा, यस सर इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा भाई? अब देखो, फील्ड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन है, तो इसी इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन के इंक्रीज करेगा। आप किसी को सपोर्ट करना चाहोगे तो कैसे सपोर्ट करोगे? उसी जिस के जिस उसके पास, हाँ, डायरेक्शन जिस जितना स्ट्रेंथ उसके पास है, अगर पॉजिटिव स्ट्रेंथ आप दे दोगे तो वो सपोर्ट होगा, आप नेगेटिव स्ट्रेंथ दोगे तो अपोज हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव स्ट्रेंथ यानी कि उसी डायरेक्शन में यस लग जाओ, ठीक है, तो फील्ड इनवर्ड बनाएगा अपना ये। और इनवर्ड फील्ड बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का यस डायरेक्शन, सर करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज और ए में एंटी इस क्लॉकवाइज ठीक है, ए में एंटी क्लॉकवाइज क्यों होगा? ए में तो सर कोई करंट ही नहीं क्योंकि होगा ना। ए बेवकूफ, ए बेवकूफ, यस ए सर इज ए पे जो क्वाइल है और जो बी पे हाँ क्वाइल है वो क्वाइल सेम है। हाँ हमने ए से बी पे उसको मूव किया, जब वो ए पे था तो उसमें कोई करंट नहीं था, जब मैंने ए से बी पे उसको मूव किया तब करंट आएगा ना। अच्छा सर से ए हाँ, में भी वो नहीं होगा कि ए में ज्यादा डेंस है तो उसको कम कराने के लिए एंटी ए क्लॉकवाइज सर बेटा, ए बच्चे, ए बच्चे, यहाँ पे इस रीजन में देखोगे तो आई कांस्टेंट है, और जब क्वाइल ए पे था तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भले ही ये स्ट्रॉन्गर थी,
लेकिन कांस्टेंट ही तो थी, और जैसे ही आपने इसको ए से बी पे शिफ्ट किया, जब इसको इधर लेकर गए तो इसकी फील्ड धीरे धीरे वीक होने लगी डिस्टेंस इंक्रीज करने की वजह से। यस सर। हाँ तो क्वाइल इज सेम, ये दो क्वाइल्स नहीं है, एक क्वाइल को ही मैंने एक ही क्वाइल को पोजीशन ए से मूव करके पोजीशन बी पे शिफ्ट किया। जब वो पोजीशन ए पे था, अब उस जगह पे कांस्टेंट था, तो वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्गर था, करंट कांस्टेंट था, तो फील्ड भी कांस्टेंट था, तो कोई इंड्यूस करंट नहीं था। जब ए से बी पे शिफ्ट किया तो शिफ्टिंग की वजह से फील्ड उसकी अब स्ट्रॉन्गर से वीकर हो गई, फील्ड चेंज हुआ, डिक्रीज हुआ, तो फ्लक्स डिक्रीज होगा तो करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। नहीं समझ आया? यस सर, आया यस सर। दिल से बोलो, कसम खा के, ईमान से बोलो, समझ आ गया? हाँ सर, पहले मैंने सोचा था कि उधर कांस्टेंट, समझ में नहीं आया। एक और क्वेश्चन दिया था मैंने कि करंट कैरिंग आप कंडक्टर, आपका करंट अपवर्ड है एंड करंट कांस्टेंट है, ये तो है। हाँ सर। और यहाँ पे आपका लूप था, और इस लूप को मैंने ऊपर की तरफ शिफ्ट किया था विद वेलोसिटी v। द डिस्टेंस बिटवीन द करंट एंड द क्वाइल, द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द क्वाइल इज सेम थ्रू आउट, राइट? सो वी नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दिस केस। जल्दी बोलो सर। नो, इंड्यूस करंट तो होगी नहीं है। क्यों नहीं होगी बेटा? सर, क्योंकि I कांस्टेंट और डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा ना सर, इसी रेट पे हम हाँ, गुड, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आपका इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा हर पॉइंट पे, और जब ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इफ डिस्टेंस रिमेन्स टू बी सेम, अगर मैग्नेटिक कॉइल का डिस्टेंस अगर सेम है, करंट, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस इज डिस्टेंस के, एक्चुअली स्क्वायर होता नहीं भी तो चलो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान के चलो ना, खाली कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आई भी कॉन्स्टेंट है, अगर आई कॉन्स्टेंट है तो बी कॉन्स्टेंट होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, मैंने डिस्टेंस चेंज कर दिया, मैंने आई को चेंज, मैंने डिस्टेंस को चेंज कर दिया, इस बार इत्तेफाक से डिस्टेंस भी कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से भी कांस्टेंट होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो नो फ्लक्स, तो फ्लक्स जीरो, तो फ्लक्स जीरो तो इंड्यूस करंट जीरो, इंड्यूस करंट जीरो। सिंपल, नहीं आया ना समझ में? गुड। अच्छा मान लो मैग्नेट कॉइल एग्जांपल लेता हूँ, जो अभी आगे एग्जाम आपके बुक में है, मैग्नेट कॉइल, जैसे मान लो एक कॉइल है, ठीक है, और अब इस कॉइल में, इस कॉइल के बीच से एक मैग्नेट को पास कर देते हैं, ठीक है, इस कॉइल में करंट नहीं है, इस कॉइल में करंट नहीं है, कॉइल, हाँ करंट नहीं है, करंट नहीं है, इस कॉइल से एक मैग्नेट को पास करते हैं, इस मैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ लेके आते हैं विथ वी मीटर पर सेकंड या वी वेलोसिटी से। तो समझ लो आपके पास एक बैंगल है, ठीक, और उस बैंगल के बीच में से एक मैग्नेट पास किया, और बैंगल जो था मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर था, वो एक कंडक्टर था जो करंट कैरी कर सकता है। तो अब बताना है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड करंट इंड्यूस किस डायरेक्शन में होगा, ये सवाल है। अब बताना है आपको, देखो सिंपल से बात, सोच के देखो बेटा, सोच के देखो। जब मैग्नेट यहां पे होगा, तो कम लाइंस पास होगी और सम, तो फील्ड लाइंस कैसी होगी? नॉर्थ से सर, जो भी होगी मतलब ऐसी तो होगी ना, ऐसे होगी ऐसे, ये तीन चार फील्ड लाइंस क्रॉस करती होंगी। जब मैग्नेट पास आ गया तो सब पास करेंगे स्ट्रॉन्गर, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जब मैग्नेट को नीचे की तरफ लेकर आओगे, जब मैग्नेट को नीचे की तरफ लाओगे, नीचे की तरफ लाओगे,
तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी। When the magnet is moved down, downward, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा कॉइल के पास, है ना, ये कंडक्टिंग कॉइल है, ठीक है बेटा। और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा। और अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस करंट का क्या काम होगा तब, आई डैश का क्या काम होगा तब, टू डिक्रीज, डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड, टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, या टू डिक्रीज द फ्लक्स, टू डिक्रीज द फ्लक्स। अब ये फ्लक्स कैसे डिक्रीज करेगा, इंड्यूस करंट कैसा बनेगा, देखो। अब सोचो, अगर मान लो इंड्यूस करंट तुम्हारा ये ऊपर से तुम देख रहे हो, ठीक है, तुम कहां से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से। अगर मान लो ये क्लॉकवाइज बन जाता तो ऊपर साउथ पोल, नीचे नॉर्थ पोल, ये याद है कुछ, क्लॉक फेस रूल। जब आप ऊपर से इस लूप को देखोगे, और अगर मान लो करंट का डायरेक्शन, मान लो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज बन जाता तो ऊपर साउथ पोल क्रिएट होता, नीचे नॉर्थ पोल क्रिएट होता, होता नहीं होता, होता। जब ऊपर साउथ पोल क्रिएट होता और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे की तरफ है, तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, बोलो, अट्रैक्ट करेंगे ना। तो जब अट्रैक्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ेगी, स्ट्रॉन्गर होगी, सर। लेकिन यहाँ पे इंड्यूस करंट का काम क्या है, टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, डिक्रीज करना है, अट्रैक्ट नहीं करना है, अट्रैक्ट करेगा तो फील्ड और स्ट्रॉन्गर होगा, है ना। हाँ, तो इसलिए करंट क्लॉकवाइज में यस सर होगा, कैसा होगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज, समझ, ताकि करंट एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज बनेगा ताकि ऊपर में, यहाँ से आप देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, ताकि ऊपर नॉर्थ पोल बन जाए, नीचे साउथ पोल बन जाए, ताकि इसको रिपेल करे, इसको रिपेल करे, डिक्रीज करने के लिए इसको रिपेल करे, है ना, इसको रिपेल करे ताकि डिक्रीज कर सके, डिक्रीज का जो इसका मिशन है वो पूरा हो सके, है नहीं है, वेरी गुड। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आए हैं, ठीक है। जैसे देखो, फिर से तुम्हें और दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ये करंट, ये आपका लूप है, ये आपका मैग्नेट है, साउथ नॉर्थ, ठीक। ऊपर उल्टा मान लो, ये नॉर्थ और ये आपका साउथ, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक। अब बताओ पोल्स करंट, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इंड्यूस करंट का पहली बात तो कॉज क्या होगा, कमिंग कमिंग ऑफ नॉर्थ पोल टुवर्ड्स कॉइल, कॉइल नॉर्थ, क्वाइल के करीब नॉर्थ पोल, नहीं यहाँ पे साउथ पोल होगा ना, क्वाइल के करीब यहाँ पे साउथ पोल आएगा तो इंड्यूस करंट क्रिएट होगा, है ना, इस पोल, यस। तो जो इंड्यूस करंट है वो क्या करना चाहेगा, अच्छा साउथ पोल जब करीब आएगा तो इंड्यूस करंट क्या करना चाहेगा, इंड्यूस करंट क्रिएट करना चाहेगा सेम पोल टू रिपेल। तो अगर यहाँ पे साउथ है तो ये साउथ ही क्रिएट करके नॉर्थ इधर रिपेल करने के लिए, अब ये साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे, अगर तुम ऊपर से देखोगे और तुमको साउथ पोल चाहिए ऊपर, तो तुमको करंट को एंड क्लॉकवाइज में फ्लो कराना पड़ेगा, क्लॉकवाइज में फ्लो कराना पड़ेगा, हमेशा ये रिपेल ही करेगा, कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। अच्छा मान लो बेटा ऐसा हो, ये आपका करंट कैरिंग, ये आपका लूप हो और मैग्नेट तुम्हारा यहाँ हो, मैग्नेट पास कर चुका है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेट को नीचे ले जा रहा हूं मैं,
मैग्नेट को नीचे ले जा रहा हूँ, अब बताओ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेट दूर जा रहा होगा, अब तो यस अब इंक्रीज करने के लिए सर रिपेल करेगा सेम डायरेक्शन, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन वहां से लाके, नॉर्थ है तो उधर भी सर, उधर साउथ लाएगा, साउथ लाएगा अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे कॉस क्या होगा, यहाँ पे कॉस होगा डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, डिक्रीज यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी तो इंड्यूस करंट क्या करना चाहेगा, इंड्यूस करंट क्या चाहेगा, क्रिएट इंड्यूस करंट क्रिएट्स ऑपोजिट पोल, ऑपोजिट पोल टू अट्रैक्ट द मैग्नेट एंड सपोर्ट द मैग्नेटिक फील्ड, सपोर्ट द डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिखो, नहीं समझ में आया ना? आया सर, वेरी गुड। तो नीचे साउथ, हाँ नीचे साउथ ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, अच्छा ऊपर नॉर्थ का मतलब क्या, ऊपर नॉर्थ का मतलब ये है एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि ये, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आते हैं हम लोग इंड्यूस ईएमएफ इन या ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग कॉइल्स, अगर मेरे पास कॉइल है और कॉइल रोटेट कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरीके से क्रिएट होगा, देखो अब तक कॉइल मेरा कैसा था, एक लीनियर मोशन कर रहा था है ना, हाँ फैराडे लॉ में क्या था, या तो कॉइल को मूव कराते हैं या मैग्नेट को मूव कराते हैं, है ना, लीनियरली। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉइल को रोटेट करने जा रहे हैं, जब रोटेट करेंगे तो ईएमएफ किस तरीके से इंड्यूस होगा वो समझते हैं। हमारे पास ये हमारा ये कॉइल है, ठीक, मान लो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ यूं है, ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक। अब इस कॉइल को हम कुछ यूं मूव करना चाह रहे हैं, ऐसे रोटेट करना हमको, ठीक ठीक है बेटा, इसको ऊपर बना देता हूं मैं, ज्यादा अच्छा है। यस सर, कॉइल को मान लो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना चाहते हैं, ठीक, कॉइल का रेडियस मान लीजिए बेटा आर है, तो इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा ये क्वेश्चन है, ठीक बच्चे एक बात को समझिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी कैलकुलेटेड बाय डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी या डी फाई अपॉन डीटी, तो इंड्यूस अगर एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो ये उसके लिए होगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक, या फिर अगर इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना होगा तो उसके लिए है हमारे पास फॉर्मूला डी फाई अपॉन डीटी, तो हमने पढ़ाया आपको डी फाइव अपॉन डी डी, ठीक है, ओके ना, तो हमें फ्लक्स चाहिए ना, सो हमें चाहिए क्या, फ्लक्स, तो फ्लक्स निकालो, इनिशियल फ्लक्स रोटेट करने से पहले इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स इज व्हाट, बी डॉट ए, बी डॉट ए, तो बी ए कॉस थीटा, अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, ठीक है, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, बट मैग्नेटिक फील्ड आपका आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, अब ये आपका करंट कैरी, ये आपका सर्कुलर लूप है और इस लूप का एरिया वेक्टर किधर होगा,
किसी भी 2D फिगर का एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलरली नॉर्मल टू द सरफेस होता है, बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है। 3D में हम लोग हमेशा आउटवर्ड लेते हैं, ठीक है। तो 2D है तो इसमें हम क्या मान लेते हैं, आउटवर्ड ही मान लेते हैं, एरिया वेक्टर आउटवर्ड ही ले लेते हैं, है ना। हाँ, तो आपका ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में आप एरिया एरिया वेक्टर को ही मान लीजिए, ठीक है। ऐसे ही बाहर की तरफ एरिया वेक्टर मान लीजिए, ये आउटवर्ड, ठीक। तो एंगल कितना हो गया बेटा, थीटा 0 डिग्री हो गया, ठीक। तो अब यहां से फ्लक्स phi I इक्वल टू क्या होगा, b इंटू ए। अब एरिया ऑफ द कॉइल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो b इंटू पाई आर स्क्वायर। इनिशियल फ्लक्स हो गया, जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा वो देखो, b डॉट ए, b है। देख बेटा जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा, अगर इस क्वाइल को आप रोटेट करोगे, अगर इस क्वाइल को आप रोटेट करोगे तो आप इमेजिन करके देखो, पहले पहले जो आपका क्वाइल है वो आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। अब जैसे ही क्वाइल को रोटेट करोगे तो क्वाइल को ऊपर की तरफ उठाओगे एक तरफ से घुमाने के लिए, है ना। तो जब ये ऊपर ऊपर की तरफ उठेगा तो इसका एरिया वेक्टर भी चेंज करेगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करेगा। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर सरफेस का डायरेक्शन बदल गया तो क्वाइल का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं, व्हेन द क्वाइल स्टार्ट्स रोटेटिंग, व्हेन द क्वाइल स्टार्ट्स रोटेटिंग, ठीक है, then the area vector will change its direction with the coil, coil के साथ अपने direction को area vector भी change करेगा। तो पहले मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपका एरिया वेक्टर क्वाइल था, आपने जब क्वाइल को जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठाया घुमाने के लिए उसको, तो उसका एरिया वेक्टर भी साथ साथ में घूमता रहेगा परपेंडिकुलरली, ठीक है। लेट अस सपोज जो क्वाइल है वो थीटा एंगल तक घुमा दिया गया, थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द क्वाइल, ठीक है बेटा। तो थीटा थीटा एंगल क्वाइल घूमेगा तो थीटा एंगल एरिया वेक्टर भी घूमेगा, ये थीटा विल आल्सो बी द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि थीटा इज आल्सो द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल अब क्या बन जाएगा, BA cos थीटा, BA cos थीटा, ठीक है। अब यहां से तुम निकालोगे एवरेज, तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और यहां पे डेल्टा फाई क्या होता है, डेल्टा एफ माइनस डेल्टा आई, फाई एफ माइनस फाई आई अपॉन डेल्टा टी, और फाई एफ कितना होता है, बी ए कॉस थीटा और माइनस फाई आई बी इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी एरिया ले लो स्क्वायर, यहाँ पे भी ले लो, ठीक है, और अपॉन डेल्टा टी, और इसको आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, दैट ई एवरेज इज इक्वल टू पाई बी पाई आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा माइनस वन, ठीक है, ठीक है बच्चे। अब इसी के बेस पे जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि इफ थीटा इज इक्वल टू, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री, या फिर इसको ऐसे लिख लो
क्वेश्चन का क्वेश्चन के फॉर्म ऐसे लिख लो दैट फाइंड ई एवरेज इन द कॉइल इफ if it rotates 60 degree in 0.2 second. अगर coil 0.2 second में 60 degree rotate कर गया तो सवाल यह है कि E average की value क्या होगी. ठीक ठीक है बेटा, कितना होगा theta की value, कितनी degree है? 60 degree है, तो theta is equal to कितना होगा? 60 degree. और डेल्टा टी की वैल्यू कितना होगा? 0.2 सेकंड. तो कैसे निकालेंगे ई एवरेज? तो ई एवरेज इज इक्वल टू बी इनटू पाई आर स्क्वायर अपॉन कॉस 60 डिग्री माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी यानी कि 0.2. समझ गए बात को? तो ये होगा बी पाई आर स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 एक मिनट. cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? मैंने क्या गड़बड़ किया? कुछ गड़बड़ किया क्या? cos theta minus 1 cos theta minus 1 cos 60 1/2 minus 1 minus 1 upon 0.2. ठीक है. और ये किसने अच्छा ई एवरेज जो होता है ये हमेशा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता और ये मॉड में होता है ना. चाहो तो मॉड में डाल दो तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 यानी मॉड हो जाएगा तो बी पाई आर स्क्वायर इनटू 1/2 0.2 ठीक है यानी कि 0.4. ये डेसिमल हटाओगी तो ऊपर में एक 2/10 यानी कि 5/2 तो ये आएगा 5/2 बी पाई आर स्क्वायर. समझ? सर एक वो पिच वाला पेज थोड़ा देखो सर. हाँ देख लो देख लो. Yes, sir. ठीक है, हो गया, डन, आगे बढ़े, डन, ठीक है, वेरी गुड. अगर इसी में अगर मैं इसी में अगर ये कह देता हूँ कि इफ इसी में मैं ये ऐड कर देता हूँ कि मान लो इफ द रेजिस्टेंस of the coil is R ohm, अगर coil का resistance मान लो R ohm है, then find the induced current. Coil का resistance अगर R ohm है, यार तुम्हारी आवाज बहुत noisy हो रही है. अगर कॉइल का रेजिस्टेंस R ओम है, इन दैट केस फाइंड द इंड्यूस करंट.
तो इंड्यूस करंट कैसे निकालते हैं बेटा, I इज इक्वल टू ई एवरेज अपॉन आर, और ये कितना आया 5/2 into b pi r square upon resistance, कितना है r, small r, ठीक, तो ले सकते हैं 5/2 r into b pi r square, ठीक। अब induce current के direction क्या होगा, induce current का direction सोचो, देखो जैसे देखो जैसे जैसे इस coil को आप rotate करोगे इस direction में, वैसे वैसे area vector साथ साथ rotate होगा, और जो एंगल है पहले 0 डिग्री, देखो cos थीटा जो है ना, cos थीटा इज मिनिमम एट मैक्सिमम एट 0 डिग्री, cos थीटा इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री, ठीक है। और जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है ना 90 की तरफ, वैसे वैसे cos थीटा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड थीटा डिक्रीजेस टुवर्ड्स cos theta decreases towards theta approaching 90 degree, जब theta 90 की तरफ जाता है तो cos theta की वैल्यू घटती चली जाती है। जैसे जैसे coil को रोटेट करोगे इस डायरेक्शन में, इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जैसे coil को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये, तो क्या होगा, इन दैट केस जो थीटा की वैल्यू है, जो एरिया वेक्टर और बी के बीच में जो एंगल है, वो एंगल धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। जब एंगल इंक्रीज करता है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, और जब कॉस थीटा डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आप अगर गौर से देखोगे तो कॉस थीटा यहाँ पे देखो, कॉस थीटा आपका डिक्रीज हो रहा है, जब कॉस थीटा देखो थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज करेगा कॉस थीटा डिक्रीज करेगा, जब कॉस थीटा डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा, और जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो जो इंड्यूस करंट बनेगा वो इंक्रीज करने के लिए बनेगा, टू इंक्रीज विल इंक्रीज द डिक्रीजिंग फ्लक्स, इसको इंक्रीज करना चाहेगा, इंक्रीज कैसे करेगा, इसी के डायरेक्शन में फील्ड बना करके, इसी के डायरेक्शन में फील्ड बना के इसको इंक्रीज करना चाहेगा, है ना। तो इसी के डायरेक्शन में फील्ड कब बनाएगा, इसी के डायरेक्शन में फील्ड कब बनाएगा, फील्ड आउटवर्ड कब बनाएगा, ये अपना फील्ड आउटवर्ड तब बनाएगा जब मैग्नेटिक करंट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो, करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तब जाके इसका फील्ड जो है वो आउटवर्ड बनेगा, और तब जाके ये इसको सपोर्ट कर पाएगा, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को सपोर्ट कर पाएगा। बात आई समझ में एडजस्ट कि नहीं आई, सच्ची बात बोलो, समझ में आ गया, अगर समझ आ गया तो एक और क्वेश्चन देता हूं। मान लो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैंने इस कॉइल को रोटेट किया इन दिस डायरेक्शन विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, इफ द बी इज गिवन आउट टू बी 4 × 10⁻⁴ टेस्ला, या -2 ले लो, -2 टेस्ला, ठीक। एंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल आर इज इक्वल टू 4 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल आर इज इक्वल टू 4 ओम, ठीक है, and the angular velocity omega of this coil is given out to be 300 revolution per minute, 300 revolutions per minute, ठीक। and if the area of the coil is 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, एरिया भी दिया है, एंगुलर वेलोसिटी भी दिया है, 300 रेवोल्यूशन पर मिनट, और रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल भी दिया है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ
इन बोथ, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन बोथ, इन इन फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इन हाफ रोटेशन इन हाफ टर्न इन फुल टर्न. हाफ टर्न में कितना होगा, फुल टर्न में कितना होगा, एंड ऑल्सो फाइंड द चेंज इन फ्लो, चेंज ऑफ फ्लो इन कॉइल, चेंज ऑफ फ्लो इन कॉइल change of flow in coil in half turn. It just rejoin करो, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है और बहुत disturbing आ रही है. मेरी वॉइस आपको मिल रही है? आर यू गेटिंग माई वॉइस? चलो अब ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया. क्वेश्चन नोट कर लिया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग. तो क्वेश्चन करना है ना हमको. एक बात समझो बच्चे ध्यान से, जब इस कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, जब इस कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, कॉन्फिगरेशन में क्लॉकवाइज, ठीक है, तो जब ये एक फुल ये कॉइल है ना आपका, कॉइल ऐसा है तो इसको हम घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं. कॉइल को समझो कि आपके टेबल पे कॉइल रखा है. कॉइल आपका कहाँ रखा है? आपके टेबल पे कॉइल रखा है और उस टेबल पे कॉइल को आप ऐसे घुमा रहे हो क्लॉकवाइज, है ना, ठीक है, ओके. अब समझो मेरे बात को, जब ये पूरा एक टर्न कंप्लीट ले लेगा, अच्छा इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा? एरिया वेक्टर भी इसका आउटवर्ड होगा. जब ये एक टर्न कंप्लीट ले लेगा तो इसका एरिया वेक्टर कहां चला जाएगा? इनवर्ड चला जाएगा, है ना. पहले कॉइल जैसे मान लो तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन पे कॉइल रखा हुआ है और जब तुम मोबाइल कॉइल के साथ साथ मान लो मोबाइल स्क्रीन को भी घुमा दो, मोबाइल स्क्रीन को घुमाओ, कॉइल मान लो मोबाइल स्क्रीन कॉइल है तुम्हारा, मोबाइल को घुमाओगी,
जब मोबाइल को पूरा उलट दोगी, एक टर्न कंप्लीट कर दोगी, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। पहले 0 डिग्री था, अब 180 हो जाएगा। पहले एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड। अब जब एक टर्न एक फुल टर्न हो जाएगा तो उसके एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर और द मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। तो बस पहले हम फुल टर्न का देखते हैं, फिर हमारा हाफ टर्न देख लेंगे हम लोग। पहले फुल टर्न देखो, पहले हम बात करते हैं फुल टर्न का। ठीक है, फुल टर्न एरिया वेक्टर आपका इनवर्ट हो जाएगा जब एक चक्कर घूम जाएगा तो, है ना, यानी कि अब ऊपर से नीचे चला गया। फुल टर्न मतलब क्या हो, फुल टर्न मतलब पहले स्क्रीन ऊपर था, मोबाइल स्क्रीन ऊपर था, तुमने उसको उलट के नीचे कर दिया, तो एक फुल टर्न हो गया। ठीक है, और जैसे ही वापिस से स्क्रीन को ऊपर लेकर आ जाओगी तो वो एक कंप्लीट साइकिल बन जाएगा। टर्न फुल या फुल यही हुआ ना, जो स्क्रीन ऊपर था वो स्क्रीन तुमने नीचे कर दिया, है ना। एरिया वेक्टर नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से आउटवर्ड तो था ही था, इनके बीच में एंगल 180 डिग्री। तो अब निकालोगी मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू, क्योंकि फुल टर्न बाद में कर रहे हैं, पहले तो हाफ टर्न करते होंगे, तो फाइव फाइनल इक्वल टू क्या होगा, बी ए कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री होती है माइनस वन, तो माइनस बी इंटू ए, फाइव एफ इज इक्वल टू माइनस बी इंटू ए। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है, फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस टू, तो होगा माइनस फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस, बी इंटू ए रहने तो बाद में हम लोग वैल्यू पुट कर दें ज्यादा अच्छा रहेगा, माइनस बी इंटू ए, ये फाइव एफ आ गया। ठीक, अब हाफ टर्न होगा। अच्छा, पहले फुल टर्न से पहले इनिशियल की बात कर लेते हैं हम लोग, फाइ इनिशियल देख लेते हैं। जब स्टार्टिंग में आपका कॉयल कुछ ऐसा ही था तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड तो आउटवर्ड था ही था, तो यहाँ पे एंगल था 0 डिग्री। ये इनिशियल बात हो रही है, हाफ टर्न फुल टर्न कुछ नहीं, इनिशियल पॉइंट इनिशियल लेवल पे। तो फाइव आई इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो फाइव आई होगा बी ए, फाइव आई कितना होगा बी ए, ये इनिशियल होगा और वो है फाइनल फुल टर्न। बीच में आएगा हाफ टर्न, हाफ टर्न, हाफ टर्न मतलब क्या हुआ कि मोबाइल स्क्रीन तुम्हारा पहले ऊपर था, तुमने इसको सिर्फ आधा घुमाया, सिर्फ आधा, इतना आधा कि तुम्हारा स्क्रीन राइट हैंड साइड में हो गया। करो वैसा करते रहो जो मैं जैसा मैं बोल रहा हूँ, मोबाइल स्क्रीन तुम्हारा पहले तुम्हारे ऊपर की तरफ था, तुमने जब स्क्रीन को क्लॉकवाइज घुमाया तो ऐसा घुमाओ कि स्क्रीन तुम्हारा दाहिने राइट हैंड साइड में हो जाए, नीचे नहीं राइट हैंड साइड में हो जाए। तो एरिया वेक्टर कितना घुमा होगा, पहले एरिया वेक्टर था अपवर्ड, अब घूम के हो गया 90 डिग्री पे, है ना। बोलो हुआ नहीं हुआ, अब तुम्हारा कॉइल कुछ यूं घूम गया, ऐसे घूम गया, अब यहाँ पे एरिया वेक्टर हो गया इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर था, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अपवर्ड ही था, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर बीच में एंगल बोलो 90 डिग्री, तो अब यहाँ निकालोगे फ्लक्स तो कितना होगा, बी ए कॉस 90 यानी कि 0 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बोलो ओके okay. अब देखो निकालता हूं मैं ई एवरेज, हाफ टर्न पे ई एवरेज निकाल रहे हैं, तो ई एवरेज निकाल रहे हैं। ई एवरेज की फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा डेल्टा फाइ अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाइ मतलब क्या होता है बेटा, फाइ एफ माइनस फाइ आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक बेटा, ध्यान से देखो, हाफ टर्न पे ईएमएफ एवरेज कितना होगा, एवरेज ईएमएफ कितना होगा, हाफ टर्न पे एवरेज ईएमएफ कितना होगा, पहले तो निकालो फ्लक्स फाइ एफ माइनस फाइ आई कितना होगा। एक बात सिंपल सी बात सोच के देखो कि जब इनिशियल फ्लक्स था वो कितना था बेटा, इनिशियल फ्लक्स था आपका बी ए, ठीक है,
इनिशियल फ्लक्स था बी ए, ठीक है, और फुल टर्न पे फ्लक्स कितना है माइनस बी ए, तो इनिशियल फ्लक्स और फुल टर्न पे जो फ्लक्स होगा इनका एवरेज जब निकालेंगे तो हाफ टर्न पे आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा, इनिशियल फ्लक्स फाई ए फाई आई और फाइनल फ्लक्स फुल टर्न पे फ्लक्स माइनस बी ए, इनका एवरेज निकालोगे तो हाफ टर्न पे होगा नहीं होगा, बोलो है? होगा होगा, ओके, तो फाइ एफ कितना है माइनस बी इंटू ए और फाइ आई कितना है बी इंटू ए और अपॉन डेल्टा टी, माइनस बी ए यानी कि टू बी ए, टू इंटू फोर इंटू टेन टू पावर माइनस टू और एरिया कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 इंटू टेन माइनस फोर है ना, तो एरिया जो है वो कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 25 इंटू टेन टू पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर होगा ना, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी, टाइम कितना दिया है भाई 300 रेवोल्यूशन पर मिनट, ओके डेल्टा टी देखो 300 रेवोल्यूशन कितने देर में, एक मिनट में 300 रेवोल्यूशन, तो एक रेवोल्यूशन कितने मिनट कितने देर में, एक अपॉन 300, एक मिनट को 60 सेकंड लिख दो बेटा, रहेगा 300 रेवोल्यूशन 300 रेवोल्यूशन 60 सेकंड्स में, देखो क्वेश्चन में ना 300 रेवोल्यूशन एंगुलर वेलोसिटी 300 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, सो 300 रेवोल्यूशन 60 सेकंड्स में, तो 1 रेवोल्यूशन 60 अपॉन 300 सेकंड में, तो हाफ रेवोल्यूशन कितना होगा 60 अपॉन 300 सेकंड, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 जा 30, 1 अपॉन 5 सेकंड, 1 अपॉन यानी कि 0.2 सेकंड्स में है ना, तो अब ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 0.2, ठीक, डेसिमल हटाओगी एक जीरो ऊपर जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये कितना आएगा 25 4 जा 100, तो ये होगा जीरो फिर 3 0 और इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 4 2 6 तो 10 पावर माइनस 3 वोल्ट, 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट, मैंने क्या गलती किया भाई, अच्छा 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 ये गड़बड़ किया ना, हाफ रेवोल्यूशन पे निकाला तो मैंने हाफ से तो मल्टीप्लाई नहीं किया, 1 upon 2 तो अब होगा 1 upon 10 0.1 सेकंड होगा ना, वही तो गलती किया, तो ये होगा 0.1 डेसिमल हटा ऊपर चला गया, तो अब होगा 25 4 जा 100 तो 2 into 1000 into 10 to the power minus 6 यानी 2 into 10 to the power minus 3, तो E average equal to 2 into 10 to the power minus 3 volt. ठीक है, आये समझ में, बोलो it just, is this clear to you? ठीक है, very good. Now, अब आती है बात आती है full turn की, अब पूरे इंटायर टर्न की बात कर रहे हैं, एक रेवोल्यूशन पूरा एक रेवोल्यूशन, तो पूरे एक रेवोल्यूशन में ईएमएफ तो जीरो हो जाएगा, एक रेवोल्यूशन में ये जो मैंने ईएमएफ यहाँ पे ये जो यहाँ पे फ्लक्स जीरो लिखा है मैंने, वो हाफ टर्न पे एट द हाफ टर्न एट दैट इंस्टेंट ओनली हम निकाल रहे हैं क्या ई एवरेज पूरे इस जर्नी में हाफ टर्न तक पहुंचने में, तो हाफ टर्न तक पहुंचने में 2 into 10 to minus 3 volt EMF, average EMF होगा, और full turn तक पहुंचने में, देखो जो cos theta होता है ना बेटा, cos theta जो होता है, एक चीज गौर से देखो, जो पहले हम cos theta की बात करते हैं, तो जो theta है जब ये 0 से लेके
जो थीटा है ये अगर ये जीरो से लेके 90 तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक क्या होता है, ये डिक्रीज करता है फ्रॉम 1 to 0। इसको ऐसे लिखू, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, थीटा जब 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है तो इसकी वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 से 0 तक जाती है। ठीक है, 0 से 90 तक जब थीटा पड़ेगा तो 1 से 0 तक जाती है। ठीक है, ये हाफ टर्न तक हो गया, ये हाफ टर्न हो गया आपका, हाफ टर्न तक हो गया। ठीक, अब हाफ टर्न के बाद नेक्स्ट हाफ टर्न आएगा, तो नेक्स्ट हाफ में टर्न में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बढ़ के 180 तक जाएगी, है ना। और इस रीजन में थीटा की वैल्यू 0 से घट के -1 तक जाती है। ये हो गया नेक्स्ट हाफ टर्न, ये हो गया फर्स्ट हाफ टर्न और ये हो गया नेक्स्ट हाफ टर्न। अब दोनों को कंबाइंड लेंगे तो ये कंप्लीट टर्न या फुल टर्न कहेंगे इसको। ठीक है, तो इस रीजन में फ्लक्स पॉजिटिव होगा, इस रीजन में एडजेस फ्लक्स आपका पॉजिटिव होगा। ठीक, और इस रीजन में 90 से 100 तक में, 90 से 180 तक आपका, क्योंकि कॉस थीटा नेगेटिव होगा, इस रीजन में आपके कॉस फ्लक्स नेगेटिव होगा। होगा नहीं होगा? होगा ना, एग्जैक्टली। तो जब इस पूरे का एवरेज निकालोगे तो पहले फ्लक्स सारा पॉजिटिव, फिर फ्लक्स सारा नेगेटिव। ठीक है, तो ई एवरेज कितना आ जाएगा? जीरो। तो मैं लिख देता हूं ड्यूरिंग द फुल टर्न, समवेयर पॉजिटिव एंड समवेयर नेगेटिव, सो ई एवरेज फॉर इंटायर फुल टर्न इक्वल टू जीरो, ई एवरेज फॉर इंटायर फुल टर्न इज इक्वल टू जीरो। आई बात समझ? बोलो एडजस्ट, बोल बेटा, आई बात समझ? ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ है। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट क्या, देखो, चेंज ऑफ फ्लो इन क्वाइल इन हाफ टर्न, हाफ टर्न में चेंज ऑफ फ्लो कितना होगा? चेंज ऑफ फ्लो नहीं यार, मैं चेंज ऑफ फ्लो क्यों लिखा, चार्ज फ्लो, क्वेश्चन है चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो नॉट चेंज ऑफ फ्लो, सॉरी, इट इज चार्ज फ्लो इन द क्वाइल इन द हाफ टर्न, हाफ टर्न में चार्ज कितना फ्लो करेगा, चार्ज निकालना हमको। ठीक है, चार्ज कैसे निकालेंगे, चार्ज निकालना हमको आता है क्या? चार्ज निकालना हमको आता है, हमने चार्ज पढ़ाया, आपको पढ़ाया फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर चार्ज था पूरा। हमें पता है कि आई इंड्यूस करंट जो होता है, आई एवरेज इक्वल टू ई एवरेज, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी ई एवरेज अपॉन रेजिस्टेंस आर। ठीक, और ई एवरेज क्या होता है बेटा, डेल्टा फाइ अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाइ अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इंटू वन अपॉन आर होगा, बोलो, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी इंटू वन अपॉन आर, बोलना बेटा। और साथ ही साथ में ऐसे भी होगा कि आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, चार्ज आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी भी तो होता है, होता नहीं होता? सो हम लिख सकते हैं दैट डेल्टा फाई, ये लिखो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू वन अपॉन आर। ठीक है, यहां से डेल्टा टी ने डेल्टा टी को मार डाला, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर, और डेल्टा फाई का मतलब क्या है बेटा, फाई एफ माइनस फाई आई अपॉन आर, और फाई एफ की वैल्यू कितनी थी, फाई एफ की वैल्यू कितनी थी, बी ए माइनस बी ए, और फाई ए कितना था, बी ए अपॉन आर। तो ये सब तो मॉड में ही होता है, इसको माइनस माइनस हम लेते नहीं है ना, सब कुछ मॉड में होता है। तो ये होगा टू बी ए अपॉन आर,
ये होगा डेल्टा क्यू, इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू टू इंटू टू इन सॉरी मैंने फिल्ड था 4 × 10⁻², और एरिया कितना 25 × 10⁻⁴, और रेडियस रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 4, तो 4 ने 4 को मार डाला, तो ये 50 × 10⁻⁶ यानी कि 5 × 10⁵ कूलम, तो चार्ज फ्लो विल बी इक्वल टू 5 × 10⁵ कूलम। आई बात समझ? ये था रोटेटिंग कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड पूछा अगर जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा जाए, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग कॉइल्स। गॉट माय पॉइंट्स और नॉट? हो गया एडजस्ट, समझ में आ गया? ठीक है चलो, तो आज इतने ही रहने देते हैं हम लोग, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे, मोशनल ईएमएफ इसी का नेक्स्ट टॉपिक है, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, जब कोई कंडक्टर मोशन में होगा तो ईएमएफ, नेक्स्ट क्लास में आपको ये सिखाने वाला हूँ कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर किसी कंडक्टर को वेलोसिटी देते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को अगर हम वेलोसिटी देंगे v इन एनी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो ये कंडक्टर जो है ना एक सेल के जैसा बिहेव करने लगेगा, दिस कंडक्टर विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सेल, कंडक्टर विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सेल। कितना बढ़िया चीज है ना कि कंडक्टर तुम्हारा सेल बन गया, वो कैसे होगा, क्यों होगा, क्या रिलेशन होगा, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।